अभी हम पढ़ेंगे साइंस में फिजिक्स में जो मॉडल क्वेश्चन के आंसर याद करने के तरीके। फिजिक्स से 13 एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव 4 चॉइस रहेंगे, एक आपको आंसर देना है। तो अब देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आप याद रखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 10 होगी, अगर त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी 20 होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, अर्थात घर में जब देखते होंगे शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम करंट बहुत बढ़ जाता है, तो वही है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के दौरान परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब देखिए, पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसमें देखिए तीनों निरूपित करता है, सिर्फ आई आर स्क्वायर को छोड़ के, चूँकि तीनों एक ही हैं, आप भाग करके देख सकते हैं कि भी बराबर होता है आई आर, पुट अप करके देखिए तीनों एक ही आ जाएगा, बाकी बी को छोड़ के। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, कहाँ पे परिवर्तन होता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में कहाँ पे परिवर्तन होता है, पक्षम भी मांसपेशियों द्वारा, अंग्रेजी में कहते हैं कुलिनरी मसल। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म पांच सतहों से घिरा होता है। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। तो वो समतल दर्पण जो आप नॉर्मल घर में देखते हैं वो समतल दर्पण रहता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर किस दर्पण में होता है, समतल दर्पण में। दसवां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया। अब देखिए प्रकाश, 11वां क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है। कहता है सामान्य नेत्र अधिकतम तो अनंत देख सकता है, अधिकतम अनंत दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है प्रति मीटर, अर्थात मीटर पर पावर माइनस वन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है प्रति मीटर, अर्थात मीटर पर पावर माइनस वन।